अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7, यूनिट नंबर 5, टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट 1 इज -2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय -3/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व फर्स्ट फ्रैक्शन विद एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट इज 3, सो वी विल मल्टीप्लाई द कंप्लीट फ्रैक्शन 3 टाइम्स। -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन इज -3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका एक्सपोनेंट 2 है, सो स्टूडेंट्स वी विल राइट 2 टाइम्स -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। स्टूडेंट्स, माइनस साइन हम यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे इन तीन फ्रैक्शंस के लिए, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और सेकंड केस में भी हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे और 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये 3 नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2/3 वन फ्रैक्शन हमारी रिमेनिंग होगी, दैट विल बी आवर आंसर। सेकेंड पार्ट, 1/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 होल स्क्वायर। फॉर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, 1/2 फ्रैक्शन हैज एक्सपोनेंट 3, वी विल राइट दिस फ्रैक्शन 3 टाइम्स। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट वी विल कॉपी डिवीजन साइन, 1/4 होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट के लिहाज से हम इसको 2 टाइम्स मेंशन करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। स्टूडेंट्स, इसको हम एक सिंगल फ्रैक्शन में मेंशन कर लेंगे, नॉमिनेटर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ डिवीजन का साइन था, आई एम चेंजिंग डिवीजन इनटू फ्रैक्शन। जब हम डिवीजन के साइन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होती है उसको हम उसका रेसिप्रोकल मेंशन कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो डिनोमिनेटर्स थे अब नॉमिनेटर्स बन गया, और नॉमिनेटर्स 1 वो अब डिनोमिनेटर्स बन गया। अब 4 इन 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास 1 1s are 1 और नीचे सिर्फ 2 1s are 2 और 1 4s are 4/2 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 2। पार्ट 3, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, -2/3 होल स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ रही है क्योंकि एक्सपोनेंट डबल है। स्टूडेंट्स, पहले हम अंदर वाली जो है स्क्वायर इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, -2/3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, और होल क्यूब हम उसी तरह मेंशन करते हैं। वी हैव सॉल्व जस्ट दिस एक्सपोनेंट, स्क्वायर को हमने इस स्टेप पर सॉल्व किया है। अब क्यूब के लिहाज से ये कंप्लीट जो है वो 3 टाइम्स कॉपी करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है। टोटल हमारा ये 1 2 3 और 3 2s are 6 है, 6 टाइम -2/3 फ्रैक्शन जो है वो 6 टाइम्स है, इसलिए होल 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे 6 कैसे था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 2 टाइम्स ये पेयर्स थे और 3 टाइम्स हमने इनको मेंशन किया था, इसलिए -2/3 ही होल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऊपर नोमिनेटर को भी हम सेपरेट उसका एक्सपोनेंट 6 लिख सकते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को भी सेपरेट हम एक्सपोनेंट 6 मेंशन कर सकते हैं, -2 होल 6 डिवाइडेड बाय 3 होल 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो चूंकि उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है इसलिए आंसर में इवन नंबर ही आएगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। सेम आप 3 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आंसर आएगा।